सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल तरुण की ब्लॉग शो। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम है। सो गाइस, आज जब मैं सुबह सुबह उठा तब मुझे एक न्यूज मिली है कि संदीप माहेश्वरी सर अब यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बनाएंगे। सो आज इस वीडियो में वही बात करेंगे कि आखिर वो क्यों वीडियो नहीं बनाएंगे और क्या रीजन है उसके पीछे उनकी वीडियो न बनाने का। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आज जानते हैं क्यों संदीप माहेश्वरी सर वीडियो नहीं बनाएंगे यूट्यूब पे। सो गाइस, अगर कोई ये नहीं जानता है कि संदीप माहेश्वरी सर कौन है, कौन है ये लोग, मुझे भी नहीं पता कौन है ये लोग। सो संदीप माहेश्वरी सर, मैं वैसे बता दूं जिसको अगर नहीं भी पता है तो, वैसे मुझे नहीं लगता ऐसा कोई है, लेकिन फिर भी संदीप माहेश्वरी सर बिगेस्ट मोटिवेटर, काफी अच्छे सब्सक्राइबर, 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उनके, यानी कि ऑलमोस्ट 2 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है सर के। और सर को ये अचानक डिसीजन क्यों लेना पड़ा कि अब वो यूट्यूब पे कोई भी वीडियोज नहीं डालेंगे, उसका बहुत एक सिंपल सा रीजन है। जो यूट्यूब पे ऑलरेडी है, जो यूट्यूब यूज करते हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो ये शायद जानते होंगे कि यूट्यूब का एक पार्टनर प्रोग्राम चलता है। जो यूट्यूब पे एड्स वगैरह आती है वो पार्टनर प्रोग्राम के थ्रू आती है। अगर आपको पार्टनर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है तो उसकी एक एलिजिबिलिटी होती है, जिसमें 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटों का वॉच टाइम होना चैनल पे बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब यूट्यूब की नई पॉलिसी आने के बाद में ये हो गया है कि अगर किसी के 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं भी हुए और 4000 घंटों का वॉच टाइम नहीं भी हुआ है तो भी उसके चैनल पे एड्स आएंगी, यस, लेकिन उसका रेवेन्यू पूरा का पूरा जाएगा यूट्यूब के पास में। लेकिन यहाँ पे संदीप माहेश्वरी सर के केस में बहुत डिफरेंट है, क्योंकि उनके 1000 सब्सक्राइबर के 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और वॉच टाइम तो आप उसकी बात ही मत करो। तो उन्हें क्या प्रॉब्लम है, उन्हें क्या इशू है, वो सिंपल सा इशू उनका ये है कि वो नहीं चाहते हैं कि उनके चैनल पे कोई भी एड आए, क्योंकि नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग हर चैनल पे अब यूट्यूब चाहे तो एड लगा सकता है, वो उसकी मर्जी है, ये उसका राइट है, ये उसका प्लेटफॉर्म है। तो संदीप माहेश्वरी सर का इसमें कहना कुछ ऐसा है, उन्होंने एक पूरा पोस्ट डाला है, ये पोस्ट मैं शेयर कर रहा हूँ, ये पोस्ट को पूरा पढ़िए, आप पॉज करके भी इस पोस्ट को पूरा पढ़ सकते हैं कि उन्होंने यूट्यूब इंडिया से क्या रिक्वेस्ट की थी। जिन्होंने पूरा पोस्ट पढ़ लिया है उनके लिए ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको पूरा डिटेल बता देता हूँ। एक्चुअली सर ने इसमें ये कहा है कि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम का जो ये नया पॉलिसी है उससे वो एग्री नहीं करते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके चैनल पे किसी भी तरह का कोई भी ऐड आए, क्योंकि उनका जो कंटेंट है वो उसमें एड्स अगर आती हैं तो उनके कंटेंट से लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं। इसलिए उन्होंने अपने इतने सारे वीडियोस में किसी भी वीडियो को मोनेटाइज नहीं किया है, यानी कि वो सारे एड्स फ्री हैं, बिल्कुल फ्री ना, उससे संदीप सर एक भी रुपया नहीं कमाते हैं। सो अभी उनका यहाँ पे इतना बड़ा डिसीजन, जिसके लिए लोग बहुत ज्यादा अच्छे कमेंट भी कर रहे हैं नीचे कि सर एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे, समथिंग लाइक दैट, ऐसा। अभी उसमें एक बात उन्होंने और ऐड करी उस पोस्ट के अंदर, उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपका YouTube प्रीमियम करके आपकी एक पॉलिसी है कि जो भी यूजर्स हैं वो एड्स नहीं देखना चाहते, एड फ्री YouTube को यूज करना चाहते, तो वो YouTube प्रीमियम को ले सकते हैं। तो उन्होंने यही कहा उसके अंदर कि YouTube प्रीमियम कंटेंट क्रिएटर के लिए भी बना दीजिए आप, उसके लिए मैं रेडी हूँ कुछ अमाउंट पे करने के लिए ताकि मेरे चैनल पे कोई भी एड ना आए। सो अपने चैनल पे वीडियोस पहला तो फ्री में डालना, उसके बाद में उस वीडियोस को डालने के बाद भी उसके पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाना, ये सिर्फ संदीप सर ही कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दे की बात तो ये है कि क्या अब संदीप सर के वीडियोस नहीं आएंगे। सो गाइस, संदीप सर के वीडियोस फिर भी आएंगे, लेकिन वो अब यूट्यूब पे नहीं डालेंगे। उन्होंने अभी एक रिसेंटली एक वीडियो शेयर किया है सभी के साथ में कि उनके अब कोई भी वीडियोस यूट्यूब पे ना आके उनके एक अलग चैनल पे आएंगे, जो कि उनकी खुद की आगे से एक वेबसाइट है जिसका नाम है SMTV। यस दोस्तों, उन्होंने एक नई वेबसाइट अपने आप में खोल दी है, एक नया चैनल पूरा खोल दिया है, जहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी एड सारे वीडियोस हम लोग देख सकेंगे। और ये संदीप सर ने कुछ ही दिनों के अंदर इस चीज को डेवलप किया अपनी टीम के साथ मिलकर कि मुझे इसका अल्टरनेटिव फटाफट खोजना पड़ेगा। तो YouTube इंडिया की तरफ से जब तक जवाब आता तब तक तो सर ने अपना एक चैनल ही खड़ा कर दिया, अपना एक पूरा पेज ही खड़ा कर दिया। सो हैट्स ऑफ संदीप सर के लिए कि SMTV पे वो सारे कंटेंट लाएंगे। और उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी बात ये भी है, उसके अंदर जो भी वीडियो सर डालेंगे उसमें पहले से ही काउंटडाउन चालू हो जाएगा, उसमें पता चल जाएगा कि अगला वीडियो सर का कब आने वाला है और सारी इन्फॉर्मेशन उसमें पहले से आपको मिलती जाएगी। अभी फिलहाल का अपडेट तो यही है कि संदीप सर फिलहाल यूट्यूब पे आई डोंट थिंक सो की वीडियो डालेंगे, जब तक यूट्यूब इंडिया कोई ऐसा कदम न उठा ले जिससे संदीप सर भी सेटिस्फाई हो जाए और उनके लिए भी विन विन सिचुएशन हो जाए। क्योंकि संदीप सर ने तो खुल के कह दिया था कि मैं तुमको पैसे देने के लिए रेडी हूँ, ताकि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। सो ये सर का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था लोगों के लिए। फिलहाल तो अभी सर उस पे वीडियोस नहीं डालेंगे, लेकिन जल्दी क्या पता कुछ यूट्यूब इंडिया, क्योंकि इतने बड़े क्रिएटर हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि इतने बड़े कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म पे जाएं या खुद का प्लेटफॉर्म कुछ भी कर दे, तो वो भी यही चाहेंगे कि वो यूट्यूब पे बने रहे। तो क्या पता, यू नेवर नो, कभी भी कोई भी सोल्यूशन आ सकता है। सो गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लोगों में आप शेयर जरूर कर देना, ताकि उनको भी पता चले कि संदीप सर के अब नए नए वीडियोस यूट्यूब पे नहीं बल्कि कहीं और आने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने लोगों में, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, ताकि संदीप सर के कोई भी वीडियोस वो मिस ना कर सके। तो फिलहाल के लिए अपडेट यही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, अगर चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए। सो तब तक के लिए दिस इज तरुण पुरोहित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।